अगर आप देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। ये चुनाव तय करने वाला है कि क्या नफरत करने वालों की जीत होगी या मोहब्बत करने वालों की जीत। साले वनवास गए थे, अब आए राम जी अपने घर के अंदर। बाबा साहब का देश को संविधान है, उसको बचाना। दुख सहलेंगे, लाएंगे मोदी को। मोदी सरकार और नहीं दरकार। आगामी 25 मई को दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर और कांग्रेस 3 सीटों पर संयुक्त उम्मीदवार मैदान में है। वहीं बीजेपी 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस बीच हम दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट पर हैं और यहां पर कैडर किस तरह काम कर रहा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी का कैडर हो, कांग्रेस का हो या फिर बीजेपी का, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्या जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी हैं, क्या जो उनका कैडर है ग्राउंड पर उनका तालमेल ठीक है या फिर किसी तरह का कोई विरोधाभास है। इसके अलावा बीजेपी कैसे काम कर रही है, बीजेपी का कैडर किस तरह काम कर रहा है, ग्राउंड पे वो किस तरह काम कर रहे हैं, ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं मोदी जी ने आपको जय श्री राम भेजी है और हम आपसे कुछ नहीं मांगे। जय श्री राम का हमें जो उसका है उद्देश्य उसका जवाब दीजिए। जैसे नमस्ते का जवाब नमस्ते होते, जय श्री राम का जवाब जय श्री राम दीजिए। और उसी तरह हमारे मुस्लिम भाई होते तो हम उन्हें सलाम करते आदाब करते फिर उन्हें कहते जय श्री राम। हम सुबह यहाँ से 9:30 आ जाते हैं अपने कार्यालय में, फिर सारा दिन रहते हैं हम लोग, कभी कहीं जाना होता है कभी कहीं जाना होता है तो इस करके हम लोग जाते हैं और जो हमारे प्रधान जी कहते हैं वही करते हैं। हमें डोर टू डोर नहीं लग रहा, ना इलेक्शन लग रहा है ना कुछ लग रहा है। हमें इस वक्त ये महसूस हो रहा है कि जैसे राम जी की वो निकलती यात्रा निकलती है, किशन जी की शोभा यात्रा निकलती है, जो भी यात्रा निकलती है उसी तरीके से हमें ये लग रहा है कि हम प्रवीण खंडेलवाल जी की, मोदी जी की और बीजेपी की हम ये यात्रा करते हैं, रन यात्रा कर रहे हैं और बड़े जोर शोर से और हर्ष और उल्लास से कर रहे हैं हम। देखिए यहाँ हम कैडर की बात कर रहे हैं तो ये बताना बेहद जरूरी हो जाता है कि बीजेपी जितनी स्ट्रॉन्ग है ग्राउंड पर उतनी कांग्रेस कहीं भी नहीं दिखाई देती है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और तमाम लोग घरों से निकले हुए हैं और ये लोग डोर टू डोर कंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, चुनाव में मतदान करने की अपील कर रहे हैं, मोदी को और यहाँ से जो उम्मीदवार हैं प्रवीण खंडेलवाल उनको वोट करने की अपील कर रहे हैं। साथ ही इनके पास स्पीकर है, इनके पास माइक है और तमाम उन संसाधनों के साथ ये चल रहे हैं जिससे इनकी बात गली गली और घर घर तक पहुँचे। इसके अलावा यहाँ ये राम मंदिर पे नाम पे वोट मांग रहे हैं, मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, प्रवीण खंडेलवाल का जिक्र थोड़ा कम है। आपके एक वोट से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अपने एक वोट भी गुलाम जब किसी ऐसी पार्टी को वोट डाल देना। 2014 से पहले आप जानते थे देश का क्या हालात थे। साथियों अगर आप चाहते हो एक मजबूत सरकार, एक मजबूत प्रधानमंत्री बनना चाहते हो तो नरेंद्र मोदी जी को वोट दें। खंडेलवाल जी यहाँ से उम्मीदवार है, उनका जिक्र नहीं कर रहे हैं आप? बिल्कुल करेंगे। खंडेलवाल जी भी एक कार्यकर्ता, एक व्यापारी नेता है, वो भी एक क्रांतिकारी नेता है। जब वो आएंगे अपने क्षेत्र के अंदर काम करेंगे, ये सवाल आप 5 साल बाद करना कि खंडेलवाल जी ने कितना कार्य करा। जब हम चौथी बार वोट मांगने आएंगे फिर आप ये सवाल करना खंडेलवाल जी ने क्या काम करा, फिर हम बताएंगे खंडेलवाल जी ने काम करा। अभी श्री मोदी जी के नाम पे वोट मांगे। डेफिनेट जो काम डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने करा है, यहाँ पर समुदाय भवन बनाया है, आप जाके देखो भारत टूटी चौक के ऊपर, यहाँ समुदाय भवन किसने बना के दिया है, जो यहाँ से पूर्व सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने उन्होंने बना के दिया है। इतने सालों में किसी ने नहीं सोचा, ऐसे ऐसे अनेकों कार्य है जिसके पीछे वोट मांग रही है। बिल्कुल नहीं लग रही, बिल्कुल भी काम का जोश है, मोदी जी को जिताना है, तीसरी बार सरकार बनानी है, बिल्कुल धूप नहीं लगी, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। पूरे दिल्ली का आज शाम 5 बजे तक का चुनाव प्रचार है। 85 दिन से हमने एक एक घर, एक एक बार नहीं दो दो बार हमने जाकर घर घर संपर्क प्रचार प्रसार किया है। प्रवीण खंडेलवाल लाखों वोटों से जीत रहे हैं, कोई मुकाबला नहीं है किसी तरह की, कहीं पर कोई ढील नहीं है और हम ये सीट पिछली बार से ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे क्योंकि हमारा प्रचार हमारा प्रसार मोदी जी का नाम से उनके काम से लोगों में बड़ा उत्साह है।
दो दिल्ली में जो दो रैलियां हुई हैं उसमें इतना उभर कर जो लोग आए हैं, जनता आई है, उतना प्यार दिखाया है, उससे हमें विश्वास है हम लाखों वोटर से जीतेंगे। बूथ पर कितने मजबूत हैं? हमारे एक सिस्टम है, बूथ का इंचार्ज होता है और फिर पन्ना प्रमुख होते हैं, 10 से लेकर 15 कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख होते हैं जिनको एक एक पन्ना दिया जाता है, वो हमारा वितरण हो गया है। पन्ना प्रमुख के पास जो पन्ना पहुंचता है क्या उसमें क्या मतदाताओं की सूची होती है? मतदाताओं की सूची होती है, एक पन्ने में लगभग 40 से 50 लोगों की सूची होती है, वो दिया जाता है और वो उसकी चिंता करता है, वो हमने दे दिया है और वो आज 5 बजे से लेकर परसों सुबह 7 बजे तक उनसे संपर्क किया जाता है, वो पन्ना प्रमुख सबके पास जाता है और वो चिंता सुबह 7 से शाम के 6 बजे तक उसकी चिंता यही रहती है कि मेरी एक एक वोट पड़ गई या नहीं पड़ी, क्योंकि अंदर जो वोट डालने जाते हैं उसकी एक लिस्ट बाहर आती है, वो एक एक घंटे में अंदर से जिस जिसकी वोट जो उसने डाली है वो स्लिप भेजता है, जो बाहर की टेबल पर बैठता है वो उसमें स्लिप में से नाम काटता रहता है, फिर वो पन्ने में से जब नाम काटते हैं वो बताता रहता प्रमुख को कि तुम्हारे इस पन्ने में से इतनी वोट अभी गई है, ये बाकी रह गई है, तो बड़ा सिस्टमेटिकली पूरा देश में हमारा ढांचा है उसके अनुसार हमारा चुनाव चलता है। बीजेपी के कैडर के बाद हमने कांग्रेस के कैडर को भी समझने की कोशिश की कि आखिर वह चांदनी चौक लोकसभा में कैसे काम कर रहा है। आज बीजेपी के पास बताने को नहीं है कि पिछले 10 सालों में उन्होंने जनता के लिए आवाम के लिए क्या काम करा, ना तो उनके पास ये बताने को है कि उन्होंने हिंदुस्तान में कोई स्कूल बनाया हो, ना उनके पास ये बताने को है कि उन्होंने कोई एम्स अस्पताल पूरे हिंदुस्तान में बनाया हो, ना उनके पास ये बताने को है कि उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर कुछ काम करा हो, ना उनके पास ये बताने को है कि हमारे बुजुर्गों की कोई पेंशन बनाई है उन्होंने, ना उनके पास ये बताने को है जहां पानी नहीं आता वहां उन्होंने पानी पहुंचाया हो, ना उनके पास ये बताने को है कि उन्होंने कहीं बिजली फ्री कर दी हो, किसानों की कर्जे माफ कर दी हो, उनके पास कुछ बताने को ही नहीं है। आखिर में अब वो आ गए मंगलसूत्र के ऊपर, हिंदू मुसलमान के ऊपर, जाति धर्म के ऊपर, आरक्षण के ऊपर आ गए। आज जो वक्त है वो किसी एक व्यक्ति का वक्त नहीं है, एक समय ऐसा है जब हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में वोट की राजनीति रहेगी या नहीं रहेगी। हमारे लिए जो सरकार बनेगी वो हमारे रोटी कपड़ा मकान और रोजगार के बारे में कोई बात करेगी या नहीं करेगी, कोई उनके लिए कानून बनाएगी या नहीं बनाएगी, व्यवस्था उसके लिए होती है। कोई भी देश अगर भूखा रहता है, उसके नौजवान बेरोजगार रहते हैं, तो फिर वो बहुत दिन तक नहीं चल पाता। बुनियादी तौर पर ये चुनाव तय करने वाला है कि क्या नफरत करने वालों की जीत होगी या मोहब्बत करने वालों की जीत होगी। हम डोर टू डोर जाके छोटी छोटी मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों पे उनका मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि हमें कांग्रेस को सपोर्ट करना है, और यहाँ पे जैसे कि पहले हमेशा झाड़ू जीतती आई है तो लोगों को बता रहे हैं कि इस बार वाले नंबर 2 है और यहाँ पे झाड़ू का चिन्ह नहीं है, आपको कांग्रेस को ही जिताना है यहाँ से। हम डोर टू डोर जाके मीटिंग्स कर रहे हैं, घरों में भी इकट्ठा कर रहे हैं, जहाँ हमारे यहाँ जैसे तालीम होती है तो हम वहाँ लोगों को भी ये मैसेज कन्वे करते हैं कि आपको इस बार कांग्रेस को ही जिताना है। महीना है तो 25-30 है और हम 10-10 के ग्रुप बना लेते हैं, जैसे सपोज 30 है, 30 में से 3 ग्रुप बना दिए हम 10-10 के, तो 10 जैसे 2 है सामने एक लाइन है एक इधर है, तो उसमें 10 में से 5 इधर भेज दिया, 5 उधर भेज दिया, और ऐसे 20 को भी एक को एक एरिया में एक गली में भेजा, 10 को दूसरी तरफ भेज दिया, इस तरह से। ऐसे कितने घर कवर करने होते हैं आपको? कोई टारगेट है? टारगेट तो हमने इतना नहीं दिया है, लेकिन हम डोर टू डोर पूरा ही कवर करते हैं। तो ये कंप्लेंट देती हैं, कुछ समझाती हैं क्या? कंप्लेंट भी देते हैं हम, और कंप्लेंट के साथ साथ स्टिकर चिपकाते हैं, और उनको हम बहुत अच्छे से बताते हैं, जैसे उन्हें पता है हमें सिर्फ झाड़ू को देना है पहले, लेकिन अब उन्हें बताया गठबंधन हो गया है और यहाँ चांदनी चौक की सीट पर प्रत्याशी हमारे जयप्रकाश अग्रवाल जी वो लड़ रहे हैं, तो इसलिए आप हाथ पर ही मोहर लगाएं, 2 नंबर लगाएं, ये हम उनको बता देंगे। अच्छा, यहाँ इस सीट पर अलायंस है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, तो क्या आम आदमी पार्टी का कैडर और कांग्रेस का कैडर मिलकर साथ में काम कर रहा है, जो मतलब तालमेल ठीक से बैठ गया या नहीं? नहीं, तालमेल ठीक से बैठा हुआ है, कई लोगों से नहीं भी बैठ रहा है, कई लोगों से बैठा हुआ है, ये वेरी कर रहा है अलग अलग जगह पे, हर चीज़ में, कहीं कहीं जगह बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खिलाफ भी हैं,
कई लोग ऐसे भी हैं जो ये भी बोल रहे हैं कि हम काम नहीं करेंगे। हमारा जो कैडर है, जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो सब अभी पूरी तरह हमारे कैंडिडेट्स के साथ चुनाव प्रचार में बिजी है। तो जहाँ 3 जगह हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं वहाँ उनके लिए, और जहाँ हमारे बाकी 4 जगह कैंडिडेट नहीं है, जहाँ आम आदमी पार्टी के अलायंस के कैंडिडेट हैं, उनके लिए घर घर जाके प्रचार में लगे हुए हैं। और सुबह जल्दी डोर टू डोर में शामिल होना, कुछ घरों में या नुक्कड़ सभाएं लेना, फिर हमारा जो एक गारंटी कार्ड है 5 न्याय का, राहुल जी का यात्रा का जो मेन वो था, उसके हमने वो हमारे जो कार्ड हैं वो घर घर बांटना, कैंडिडेट्स की प्रचार सामग्री बांटना, तो ये सब कार्यक्रम चलते रहते हैं। उसमें अगर मान लिया कैंडिडेट का उस विधानसभा में कोई प्रोग्राम है तो उस प्रोग्राम को मोबिलाइज करना। अच्छा ये बताइए कि जैसे पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, है ना, यहाँ दिल्ली में सब साथ में लड़ रहे हैं, तो क्या यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, जो कैडर है, वो कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, या बाकी सीटों पर जो कांग्रेस के कैंडिडेट जहाँ पर नहीं आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, वहाँ क्या कांग्रेस का जो कैडर है वो आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा है किसी तरीके की यहाँ पे? मतलब में हम जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो 7 सीटों पर काम कर रहे हैं, और पंजाब में चूंकि अलायंस नहीं है तो पंजाब में हमारे कांग्रेस के लोग कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए काम कर रहे हैं, उसमें असर की कोई बात ही नहीं है। वो बहुत क्लियर है कि हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, और दिल्ली में हमारे कार्यकर्ता अलायंस में हम चुनाव लड़ रहे हैं तो अलायंस के लिए काम कर रहे हैं, 7 सीटों पर काम कर रहे हैं। काफ़ी लोग जो बीजेपी में लगे हुए थे, आज जयप्रकाश अग्रवाल जी को जब से टिकट मिली है सब कांग्रेस के, पूरा कांग्रेस, क्योंकि आज व्यापारी लोग बहुत परेशान, कुछ भी काम इन्होंने नहीं करा, एमपी जो भी था कभी सकल थी, लेकिन जयप्रकाश अग्रवाल जी एक ऐसे आदमी हैं, 5 बार एमपी रह चुके हैं, और आप गली में क्या कहीं दूर से भी आदमी को पहचान जाते हैं। सबसे बड़ी खासियत ही है जयप्रकाश जी की, मेरे फादर की डेथ हुई, मैंने कोई खबर नहीं करी उन्हें, लेकिन वो सबसे पहले आके मेरे फादर की डेथ में बैठे हुए थे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ये मोदी जी चिल्ला रहे ना 400 400, ये 400 नहीं बल्कि 200 गया है, 200 भी ले आए तो बहुत ले आए। हर्षवर्धन यहाँ से पहले थे, वो बात अलग है, कुछ काम किया उन्होंने, कुछ काम नहीं किया। आते थे वो इधर कभी? हाँ आए हैं एक मरते, इस प्लेस से पहले एक मरते चुनाव में आए थे, उधर से आए और चले गए, उसके बाद में जो गए तो वापस नहीं आए। जेपी अग्रवाल जी बहुत मेहनत के शिष्यान है, पहले भी कहना मैं इलेक्शन लड़ा और अभी भी। बाबा साहब का देश का संविधान है, उसको बचाना है। यहाँ जो देश के अंदर में जो संविधान के अहमियत को नाबूद किया जा रहा है, इसको बचाना है। संविधान बच जाएगा हमारा देश बच जाएगा, नहीं तो इस देश को कोई नहीं बचा सकता। भक्ति जुलान के अंदर हमारे समाज की इतनी बड़ी संख्या है, अगर ये चाहे तो यहाँ का निगम पार्षद हमारा हो, अगर ये चाहे तो विधायक हमारा हो, अगर ये चाहे तो सांसद हमारा हो। हमारा पूरा कैडर एक समर्पित कैडर है, हर कार्यकर्ता को हम देवतुल्य मानते हैं, और है भी वो, हम सिर्फ मानते ही नहीं है, और सभी बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ होकर पार्टी के लिए, अपने देश के लिए, हमारी विचारधारा के लिए, हमारे आदर्शों के लिए, और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है कि हमारा जो देश है, मैं दोबारा बोलूँगी, वो पुनः विश्व गुरु बने, उसके लिए प्रयासरत हैं और हर तरीके से अपना जो समय है वो भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। कुछ कांग्रेस गरीब लगती है, ठीक है, ऐसा नहीं है, दूसरी पार्टियां कुछ अमीर हो गई हैं जो सत्ता में आ गई हैं, जिन्होंने बड़े लोगों से पैसा कमाया है, जो बड़े लोगों को देश का जो बहुत बड़ा बिजनेस है वो बड़े लोगों को देते हैं, सड़कें बनाने का ठेका है या और है, इवन रेलवे तक अदानी को दिया है, तो उनसे बहुत बड़ा पैसा जो आता है वो खर्च करते हैं, और उससे वो बहुत कार्यकर्ता पेड़ कार्यकर्ता रखते हैं, ठीक है, उनको ये भी लगता है कि जो पेड़ कार्यकर्ता लगते हैं एटलीस्ट उनके घर के वोट तो पड़ जाएंगे, तो कांग्रेस ऐसा नहीं करती। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं अपने कांग्रेस के हैं, उसमें पेड़ लोग नहीं हैं, और वो लोग कांग्रेस के लिए प्रचार करते हैं दिन रात। दिस इलेक्शन सीजन Your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply head on to newslaundry.com/subscription and pick up the TNM NL joint subscription of your choice today.